हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर मोशन का जो है कि कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इस चैप्टर में ऑल कॉन्सेप्ट कवर होगा और इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं सारे को मैंने जो है कि इसमें कवर किया है। और ये वीडियो जो है कि आपके लिए जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लाइक यदि बात करें इसमें, ये सभी ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपका रहेगा कंप्लीट एंड क्लास 9 का जो कि फुल्ली सिलेबस को जो कि कवर कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे इसी तरह के जो वीडियो आपके जो है कि आप तक जो है जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें, यहाँ से सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन जो यहाँ पर आ गया है, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का, दो पॉइंट्स ए और बी के बीच का जो है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है ना, ये जो कि परपेंडिकुलर की कोई कर्व्ड डिस्टेंस नहीं बल्कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में, एक तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया टोटल, इसका लेंथ एंड जो कि इसमें डायरेक्शन भी जो है कि दिखाया गया इस तरह का है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो कि दोनों है, इसलिए ये स्केलर नहीं बल्कि ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो समझ में आया होगा आपको ये वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर डिस्टेंस इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ से अब डिस्टेंस का बात करें तो डिस्टेंस आपका वेक्टर रहने वाला है या स्केलर। देखें यदि डिस्टेंस का मतलब, यदि इस पॉइंट से यदि स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ये और कोई बी पॉइंट यदि मेरा यहाँ पे है, अगर इस पॉइंट तक हम जो है कि इस तरह से ही पहुँच सकते हैं, इस तरह से ही पहुँच सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, है ना, फिर किसी भी तरह से हम घूम के जा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो है कि हम कितना कितना लेंथ तक जो है कि डिस्टेंस को कवर किए हैं, बट इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, बट इसका कोई डायरेक्शन जो कि फिक्स नहीं होता है, मतलब इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। इसका मतलब ये आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी आपको जो कि यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड इंटू जो है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, 18/5 जो है कि 5 से जो है इसको हम लोग डायरेक्ट गुना करके भी इसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 6 है गुना 18/5, यदि इसको हम करें तो 108/5 करने पे कितना होता है, 21.6 किलोमीटर पर आवर जो कि आपको जो कि यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, पूरा इजी वे में इसमें दिया गया है सब कुछ। नेक्स्ट, अब यहाँ से बात करें, नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे टॉपिक है, व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो स्पीड होता है उसे क्या नाम दिया जाता है। अब देखें स्पीड की अब यदि बात करें, अब जैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, स्पेसिफिक डायरेक्शन ये होना चाहिए एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारा है, और इस डायरेक्शन में कोई बॉडी यदि मूव करेगा यहाँ से जो कि डायरेक्टली, मतलब क्या जो कि इस तरह से ये मूव कर रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका मान लेते हैं टाइम टी लगेगा इसमें कवर करने में, तो यहाँ का स्पीड जो भी होगा तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है कि आपका जो है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, इसका मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे स्पीड जो होगा हमारा डिफाइंड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलोसिटी इज द नेम दैट इज गिवन टू द स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो स्पीड होता है उसे ही वेलोसिटी कहते हैं, या फिर वेलोसिटी वी इक्वल टू जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डी वाई टाइम टेकने टी होता है आपका, है ना। ये आपका स्पीड के जैसा नहीं होता, स्पीड आपका अलग होता है, वेलोसिटी आपका अलग होता है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से बात करें, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे दो एग्जाम्पल्स देना है जिसमें बॉडी का जो कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, जैसे बस मूविंग ऑन द रोड एंड ए रेसिंग हॉर्स मोशन। ये दोनों जो है आपका एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, है ना, ऐसा मोशन जो कि मतलब एक समान हमेशा नहीं रहता, वह चेंज होते रहता है। ये जो है आपका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, नेम द फिजिकल क्वान्टिटी ऑप्टेंड बाई डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस।
तो यहाँ पे आपका क्या क्वांटिटी रहने वाला है, कहता है क्वांटिटी क्या ऑब्टेन होता है डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन टू। स्पीड इज द फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड यानी स्पीड का बात करें तो क्या हम लोग लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका होता है टाइम। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम जो है आपका क्या हो जाएगा, वो स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन ए कार, स्पीडोमीटर ओडोमीटर। तो कार में ओडोमीटर और स्पीडोमीटर क्या मेजर करने वाले होते हैं, देखें तो स्पीडोमीटर का बात करें तो स्पीडोमीटर इन अ कार इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, मतलब कुछ क्षण के लिए जो स्पीड मतलब इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है उसे जो कि मेजर करता है स्पीडोमीटर। एंड ओडोमीटर इज इन अ कार इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब ये क्या होता है कि कार मतलब टोटल जितना डिस्टेंस कवर करता है तो उस दरमियान क्या उसका स्पीड रहने वाला है एवरेज, तो उस चीज़ को जो है कवर करता है आपका यहाँ पे ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या करता है, वो इंस्टेंट टाइम के लिए जो है कि स्पीड को जो है कि वो रिकॉर्ड करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर, उसके बाद ये कहता है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी, तो टू नो हाउ स्लो और फास्ट द बॉडी इज मूविंग स्पीड इज यूज्ड है ना, तो स्पीड के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कोई बॉडी मोशन कितना स्पीड में है या स्लो में है। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन अ बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या है, यदि कोई बॉडी यदि इस पॉइंट से यदि शुरू किया ए से और वो किसी डायरेक्शन में कहीं पर भी चला, कहीं से भी घूम घाम के पूरा जो कि फिर जो कि ये इसी पॉइंट ए पे ही जब आके रुक जाता है, तो इस कंडीशन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो कि आपका यहाँ पे जीरो रहने वाला है। पर टोटल डिस्टेंस का यदि बात करें तो डिस्टेंस वो जितना चलेगा उतना जो है कि उसका यहाँ पे ये शो करने वाला है। तो यहाँ पे देखें किस तरह किसने दिया है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी जीरो व्हेन द बॉडी कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग यहाँ से शुरू किया फिर यहीं से यहाँ के रुक गया, स्टार्टिंग पॉइंट एंड कवर्स अ सर्टेन नॉन जीरो डिस्टेंस, है ना, नॉन जीरो डिस्टेंस जो है कवर भी करना चाहिए। अब यहाँ से बात करें, इन एडिशन टू अ स्पीड व्हाट एल्स शुड बी नो टू प्रेडिक्ट द पोजिशन ऑफ ए मूविंग बॉडी अलॉन्ग विद अ स्पीड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी शुड बी नोन, है ना, अलॉन्ग विद स्पीड द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी शुड बी नोन आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट फिर अब यहाँ से बात करें, वेन इज अ बॉडी सेट टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो कोई बॉडी कब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है, तो आपका यहाँ पे देखें अ बॉडी इज सेट टू हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर डिस्टेंस, यानी किसी भी टाइम के लिए जब भी हम जो है कि इसका वेलोसिटी यानी डेल वी यदि हम लोग निकालें तो उसका जो कि हर एक टाइम क्या डेल वी का वैल्यू होना चाहिए आपका डी एस बाय डी टी, ये जो है कि आपका जो कि इंस्टेंट टाइम के लिए जो कि आपका ये सेम ही होना चाहिए, है ना, ये जो कि चेंज आपका नहीं हो, तब जाके इसे क्या कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ से फिर, अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, आपको पूछ रहा है अंडर विच कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कब इक्वल होंगे, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, है ना, जब ऑब्जेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन पे इसी तरह मतलब जब चलेगा स्ट्रेट लाइन पे जब ए से शुरू किया और बी तक गया, तो इस कंडीशन में जो है कि वो आपका वेलोसिटी और आपका स्पीड जो है कि दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट बात करें अब यहाँ से, विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशन, एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, तो कौन सा इसमें जीरो होगा, देखें द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, है ना, तो बॉडी का एवरेज वेलोसिटी जो है कि वो जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का यदि फॉर्मूला देखें वी तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है कि आपका जीरो हो सकता है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, यानी वी इक्वल्स जीरो बाय टाइम टेकन टी, इससे जो है कि आपका वी का वैल्यू जीरो आ सकता है, बट आपका एवरेज स्पीड का बात करें जो वी आपका होता है एवरेज स्पीड का बात करें तो वो तो टोटल डिस्टेंस जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा बाय टाइम, तो ये आपका जीरो नॉट इक्वल टू ये जो कि आपका यहाँ पे जीरो रहने वाला है।
नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन इन विच अ बॉडी हैज सर्टेन एवरेज स्पीड बट इट्स एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। तो वही बात हुआ अभी जो मैंने यहाँ पे किया। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, कोई वस्तु जैसे इस तरह से यहाँ से ए पॉइंट से चालू किया, कोई मूविंग बॉडी यहाँ से पूरा चल के फिर जो कि फिर जो कि ये इसी पॉइंट पे जो कि आके रुक जाता है, तो इस दरमियान आपका डिस्प्लेसमेंट जो है कि आपका यहाँ पे जीरो है, तो आपका वेलोसिटी भी यहाँ पे जीरो बाई टी करने से क्या होगा, आपका यहाँ पे जीरो है। बट यहाँ पे आपका स्पीड का यदि बात करें, स्पीड का बात करें तो ये टोटल डिस्टेंस डी बाई टी होगा, जो कि बराबर नहीं आपका यहाँ पे जीरो रहने वाला है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करें आप, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसका एक्सीलरेशन जो है कि वह जीरो होता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यदि देखें, जैसे वी इक्वल जो है कि आपका होता है यू प्लस ए टी, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों जो है कि आपका क्या है इक्वल से रहने वाला है, मतलब नो चेंजेस इन वेलोसिटी। तो अब यहाँ से यदि एक्सीलरेशन कैलकुलेट करें ए इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा यू माइनस वी, यानी वी माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पे आपका जितना यू का वैल्यू है उतना ही आपका वी का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होता है। वी माइनस यू यानी कि वी माइनस भी यहाँ पे पुट करके बाय टी कर देंगे, मतलब क्या यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो बाय टी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए का वैल्यू आपका जीरो आ चुका है। अरे तो ये किस कंडीशन में आपका आ रहा है, तो कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज जीरो दैट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपका यहाँ पे ये क्लियर कर चुका है। तो नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन का अदर नेम क्या होता है, इसे रिटार्डेशन कहते हैं। इसे रिटार्डेशन कहते हैं, मतलब माइनस एक्सीलरेशन जो होता है आपका वैल्यू, इसी को रिटार्डेशन जो है कहा जाता है, और ये पॉजिटिव वैल्यू को एक्सीलरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें, नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच एसआई यूनिट्स इज। अब एसआई यूनिट्स आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको जो है इसका नेम लिखना है। यहाँ पे पहला क्वांटिटी क्या है, ए नंबर में मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर पर सेकेंड आपका जो है कि स्पीड का जो है कि यहाँ ये जो है कि आपका स्पीड का जो है कि एसआई यूनिट रहने वाला है। नेक्स्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर बात करिए, आपका एक्सेलरेशन का रहने वाला है आपका यहाँ पे ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आ रहा है जब व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग मतलब कोई बॉडी जब फ्री रूप मुक्त पतन जब होता है उसका, तो वह किस तरह का गति दिखाता है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना। क्योंकि ये एच हाइट से यदि कोई यदि बॉडी इस तरह से ए यदि यह गिरेगा डाउनवर्ड, तो क्या होता है टाइम के साथ साथ, यानी टाइम जब आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी होता है उसका भी वैल्यू क्या होता है यहाँ पे ये इंक्रीज होता है। तो टाइम के साथ साथ जो है कि इसका वैल्यू जो कि बढ़ने लगता है इस कंडीशन में, है ना, इसलिए मतलब यहाँ जो कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात करें, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन या फिर एक्सेलरेशन दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है कि आपको इसने इसमें भी दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें आप यहाँ से, आप देखें फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेयर इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। इसे वेलोसिटी कहा जाता है ना, आपका ये क्या हो जाएगा स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड भी और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देता है, तो वो आपका जो कि यहाँ पे वेलोसिटी ये कहलाने वाला है। नेक्स्ट अ मोटरसाइकिल है जो स्टीरी डैश ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या है, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स दैट एवरी डैश इट्स डैश इंक्रीज बाय। तो यहाँ पे क्या कहता है कि एवरी टाइम या फिर एवरी सेकेंड इट्स स्पीड, इट्स यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, इट्स स्पीड इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका जो कि इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अब यहाँ से फिर बात करें, इसमें देख लें वेलोसिटी ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश इट इज मेजर्ड इन। तो एक्सेलरेशन होता है आपका और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब यहाँ से नेक्स्ट अब देखें, अब क्वेश्चन जो अब यहाँ पे आ रहा है हमारा,
वेक्टर एंड स्केलर जो है कि मैंने ऊपर में जो बनाया था, जो कि आपको यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। नेक्स्ट अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपका सेकेंड टाइप है। इसमें देखें व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी जो मैंने डिस्कस किया ऊपर में सेम क्वेश्चन यहाँ पे, प्लीज यहाँ समझिएगा। अ फ्री फॉलिंग बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इन द इनिशियल 1 सेकेंड द डिस्टेंस कवर इज स्मॉल एंड इन द लेटर 1 सेकेंड द डिस्टेंस कवर इज लार्ज। एज द डिस्टेंस कवर इज अनइवन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो मोशन भी यहाँ पे क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा आपको। नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड होता है ना, मतलब टाइम के साथ इसका स्पीड बढ़ते जाता है, यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है। अब कह स्टेट वेदर स्पीड इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी गिव रीजन फॉर योर चॉइस। अब यहाँ पे कहता है कि आपका स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी ही इज, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड देर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट बस एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर्स वेयर बस वाई ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स, विच बस इज फास्टर। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कौन सा बस फास्टर है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों का स्पीड निकाल देना है। फॉर बस एक्स स्पीड निकालें डिस्टेंस बाय टाइम तो 72 किलोमीटर पर आवर, फॉर बस वाई स्पीड निकाल दिए 68 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हैं कि एक्स जो है कि वो ग्रेटर देन वाई जो है कि दोनों का स्पीड रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट अब बात करें, नेक्स्ट अब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे जितने भी स्पीड दिए गए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कहता है एन एथलीट रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ए बाइसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट, और स्कूटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जितने भी स्पीड्स दिए गए हैं सभी को ना एक यूनिट में जो कि हमें कन्वर्ट करना है। मान लेते हैं जैसे एथलीट का बात करें ये 10 मीटर पर सेकेंड है, इसे मीटर पर सेकेंड में ही रहने देते हैं, बाकी सबको हमें मीटर पर सेकेंड मिलाना है। अच्छा अगर बी का बात करें बाइसाइकिल का, तो इसका स्पीड क्या 200 मीटर, तो 200 मीटर को हम लोग यदि किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका क्या हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। इंटू ये पर मिनट है ना, है ना, तो ये पर मिनट है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है जो कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर, और यहाँ पे जो कि 60 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये और ये आपका कट जाएगा, फिर ये 6 से कट के कुछ आपका यहाँ पे कितना 3.3 है ना, यहाँ पे आपको सोल्व करके दिया गया 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फिर जो है आपका अगर नेक्स्ट आ रहा है 8.33 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ग्रेटर जो आपका जो कि स्पीड है वो एथलीट का है, उसके बाद स्कूटर का, देन आपका बाइसाइकिल का है। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट अब यहाँ से क्वेश्चन का बात करें, आपको दिया गया है राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको मांग रहा है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यदि बात करें, ए क्या होता है आपका ए टी प्लस यू इक्वल टू आपका यहाँ पे बी होता है। तो यहाँ से ए यदि हम लोग फाइंड आउट करें, ए इक्वल क्या होगा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यानी टी। तो आपका ये जो है कि फॉर्मूला जो है कि आपका मेन फॉर्मूला रहने वाला है। अच्छा फिर आपको कह रहा है इसमें गिव द मीनिंग ऑफ इच सिंबल विच अकर्स इन इट। तो आपको सभी का सिंबल्स भी यहाँ पे दिया गया है नेम, ओके है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेंड्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। एक ट्रेन जो है कि 1 मिनट में 21 मीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ लेता है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए ए इक्वल से आपका क्या होता है, वी माइनस यू। तो वी आपका 21 हो चुका है यहाँ पे, और माइनस यू का बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आपका 0 रहने वाला है, डिवाइडेड बाय आपका टाइम कितना है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो इसे डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, ये 0.35 मीटर पर सेकेंड जो कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे सॉल्व है। नेक्स्ट अब बात करें यहाँ से क्वेश्चन का, यहाँ से देख लेते हैं, कह रहा है अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 आवर्स। चलिए मान लेते हैं इस तरह से कोई डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस देखिए टोटल आपका कितना है 100 मीटर का दिया गया है, ये आपका 100 मीटर का टोटल डिस्टेंस है। अब एक स्नेल इस पर चढ़ता है और क्या करता है वो 50 आवर्स में जो है कि इसे टोटली कवर कर लेता है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का यदि बात करें स्नेल का, द स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 आवर्स। द टर्टाइज कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स एंड दिस स्प्रिंटर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन जस्ट 9.83 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ पे देखें आप एवरेज स्पीड का यदि बात करें तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 100 मीटर इक्वल टू 0.1 किलोमीटर हो जाएगा एंड टोटल टाइम टेकन 50 आवर। तो एवरेज स्पीड का बात करें तो यहाँ पे टाइम डिस्टेंस बाय टाइम तो 0.0022 किलोमीटर पर आवर जो कि आपका यहाँ पे आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट एडवर्टाइज मूव अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स। तो इसका एवरेज स्पीड यदि यहाँ पे निकाले तो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर यानी 0.1 किलोमीटर हो जाएगा, टोटल टाइम टेकने 15 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से तो ये हो जाएगा 0.25 आवर। एंड एवरेज स्पीड का बात करें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन यानी कि आपका यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा कितना 0.25। तो डिवाइड करने पे आपका कितना आ रहा है 0.4 किलोमीटर पर आवर जो कि यहाँ पे आपका आ रहा है आंसर। नेक्स्ट उसी तरह स्प्रिंटर का भी यहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकाला है सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है, आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से देखें, ये क्वेश्चन जो है कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ए मोटरसाइकिल ड्राइव फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम प्लेस बी टू ए विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका एवरेज स्पीड जो कि निकालना है। तो एवरेज स्पीड का बात करें, एवरेज स्पीड ए भी अगर करें बात तो ये क्या होता है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम मान लेते हैं ये टी वन, ये जो है कि यहाँ पे आपका डी वन गोइंग डिस्टेंस एंड प्लस डी टू आपका कमिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो आपका टाइम पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से T1 का बात करें गोइंग टाइम प्लस T2 आपका कमिंग टाइम, इस तरह से यहाँ पे आपका टोटल एवरेज स्पीड जो कि रहने वाला है। बट इसमें एक बात ध्यान दें, यहाँ पे जो आपका D1 और D2 है तो ये डिस्टेंस दोनों सेम ही है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 2D डिवाइडेड बाय T1 एंड प्लस T2 आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड रहने वाला है। तो हमें इसमें क्या करना है, टाइम जो कि पहले कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखें स्पीड ए टू बी 30 किलोमीटर पर आवर आपको दिया गया है, तो लेट डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का डिस्टेंस टोटल डी मान चुके हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। टाइम टेकने टी वन टू ट्रेवल ए टू बी, ए से बी जाने में कितना टाइम लेता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड, ये हो जाएगा आपका टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, टी वन का वैल्यू डी बाय 30 आपका यहाँ से आ रहा है D/30। नेक्स्ट स्पीड फ्रॉम B टू A 20 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम टेकने T2 फ्रॉम B टू A यानी B से A आने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड होगा फॉर्मूला। तो T2 का वैल्यू D/20 आपका यहाँ से आ रहा है। अब टोटल टाइम टेकने T का बात करें तो T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू D/12 आपका यहाँ से ये निकल के आ रहा है। एंड टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A टू B तो इधर से भी D और उधर से भी D, तो यह हो जाएगा आपका टोटल 2D। तो अब देयर फॉर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन आपका यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2D। तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका 2D डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपका कितना हो रहा है D/12 हो रहा है, D/12 आपका रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से 24 किलोमीटर जो है कि पर आवर जो है कि आपका यहाँ पे आंसर कैलकुलेट होके आ रहा है। आई होप आपको समझ में होगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ये इस तरह का क्वेश्चन जो कि रहता है। बस इसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि जो टोटल टाइम कर देते हैं और टोटल मतलब दोनों स्पीड को जोड़ देते हैं और टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जिस तरह से गलत आंसर जो है कि आपका आ जाता है। आपका ये जो है कि यहाँ पे राइट क्राइटेरिया रहने वाला है इसे सोल्व करने का। नेक्स्ट अब बात करें, अब मोटरसाइकिल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेलिंग विद यूनिफॉर्म विद एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड, व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अब बात करते हैं, देखते हैं
यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड वो कवर कर लेता है, टाइम इसको 3 सेकेंड का लगता है। तो अब एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना है, तो एक्सेलरेशन यू ए का जो फॉर्मूला है वी माइनस यू बाय टी यहाँ से इसने अप्लाई कर दिया है। तो वी का वैल्यू आपका 6 है, यू का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 यहाँ पे रहने वाला है, एंड टी का वैल्यू जो है कि आपका यहाँ पे 3 रहने वाला है। तो 6/3 = 2 m/s² आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब यहाँ से बात करें, एन एयरक्राफ्ट यहाँ से देख पा रहे हैं, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 60 km/h एक्सेलरेट्स स्टीडली एट 10 km/s, है ना, 600 km/h की रफ्तार से हवाई जहाज आपका उड़ रहा है, एंड ये एक्सेलरेट भी मतलब ये त्वरित भी होता है 10 km/h/s। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 km/h एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द साउंड बैरियर, है ना। तो ये साउंड बैरियर तक पहुंचने में कितना टाइम जो है, है ना, मतलब यहाँ पे कह रहा है एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, है ना, हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लेगा, है ना, साउंड बैरियर तक से पहुँचने में। देखें अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी यू का बात करें 600 km/h आपका ये हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो आपका यहाँ पे रहने वाला है कितना है ये 1100 km/h। एक्सेलरेशन का बात करें जो कि आपको यहाँ पे दिया गया 10 km/h/s, 10 km/h ये एक्सेलरेट होता है पर सेकेंड में, है ना, 600 km/h² या जो है कि यहाँ पे आपका ये एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा। अब फ्रॉम फॉर्मूला ए इक्वल्स वी माइनस यू बाय टी यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या होगा, वी माइनस यू बाय ए, तो वी आपका जो है कि क्या है 1100 माइनस 600 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए का वैल्यू 10 रहने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 11 - 6 हो जाएगा आपका कितना 500 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 10, तो इसे करने पे क्या हो जाएगा आपका 50 यहाँ पे सेकेंड्स जो है कि आपका कैलकुलेट होकर यहाँ पे ये आ रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ अ बस ट्रेवलिंग एट 20 m/s इज सब्जेक्टेड टू अ स्टडी एट डी, है ना, डी एक्सीलरेशन ऑफ 5 m/s², हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। अब यहाँ पे आप देखें, अब बस का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का यदि यहाँ से बात करें, इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू आपका यहाँ पे कितना है 20 m/s है, चूंकि इस स्पीड से चल रहा था, और यहाँ पे देख सकते हैं रिटार्डेशन आपको एक्सीलरेशन का जो वैल्यू हुआ आपका यहाँ पे दिया गया है -5 m/s, चूंकि ये यहाँ पे जो कि रिटार्डेशन का काम कर रहा है ना, एंड आपका यहाँ पे वी का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी आपका 0 होगा चूंकि बस को रुकना है, तो आपको पूछ रहा है इसमें कितना टाइम टेकिंग होगा। तो यदि डायरेक्टेड टी का यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो वी माइनस यू, तो वी आपका हो जाएगा कितना 0 है, तो 0 - 20 डिवाइडेड बाय ए आपका ये भी -5 है, तो माइनस माइनस कर जाएगा आपका जो कि 4 सेकेंड जो कि आपका यहाँ पे टाइम कैलकुलेट होकर आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप इसमें बात करते हैं, कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो आपको इसे समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 8 cm फ्रॉम पी टी पी टू क्यू एंड देन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 cm एट राइट एंगल टू पी क्यू, फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको इसको भी करना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है, यदि इस तरह से एक पॉइंट यहाँ पे ए रखा गया है और एक पॉइंट यहाँ पे जो कि बी रखा गया है, इस तरह से यहाँ पे बी है, तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कवर करने का कई तरीका हो सकता है, जैसे कि हम इस तरह से भी इसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, और ऐसे भी जो कि हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। तो इसमें ये मान लेते हैं 1, ये वे मान लेते हैं 2, और ये वाला वे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे जो आपका वे 1 और 2 है, तो ये जो इस तरह से यदि हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जो हमारा टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा इसे जो है कि हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, ये जितना लेंथ हम लोग कवर करेंगे इसे ही हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। बट यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसे जो है कि हम लोग क्या कहेंगे, इसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
आई होप यू अंडरस्टैंड. इन द डायग्राम बिलो अ बॉडी मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी इज द डिस्टेंस ट्रेवल व्हाइल ए बी प्लस बी सी इज द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से अब यहाँ दिखाता हूँ मैं डायग्राम में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे है ना. डिस्प्लेसमेंट का बात करें अब जैसे देखें यहाँ से ए से बी एंड बी से फिर सी हुआ, तो यहाँ से डिस्टेंस का बात करें, यदि डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस का यदि यहाँ पे हम बात करें तो डिस्टेंस आपका क्या रहने वाला है ए बी एंड प्लस बी सी. बट यहाँ से यदि डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो यहाँ से सी आपका डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि आपका यहाँ पे ए सी जो कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. आई होप आपको समझ में आया होगा, डायग्राम भी आपको यहाँ पे क्लियर दिया गया है. नेक्स्ट अब बात करें यहाँ पे पी, इस क्वेश्चन में भी जो है कि आपको इसमें दिया गया था पी क्यू जो है कि आपको इसमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है. ये पी क्यू आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया था है ना. नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें क्यू आर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया था, तो रिजल्टेंट इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका 6 था और ये आपका जो है कि 8 था. ये राइट एंगल ट्रेंगल पे मतलब कोई इस तरह से गया था, जब इसे इसे बनाया तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है. पैथागोरस थ्योरम लगाने से ये आपका एच का वैल्यू जो है कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जो है कि ये रहने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें डिफाइन मोशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पे मोशन का जो कि बात कर रहा हूँ. मोशन फॉर अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चेंज इन इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ बॉडी दैट इन इट रेस्ट विच इज टेकन एज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस. सीधा सीधी यदि बात करें किसी बॉडी के पोजिशन में टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि बॉडी के पोजिशन में चेंज होता है तो क्या कहा जाता है कि बॉडी इज इन मोशन, दैट बॉडी इज इन मोशन आपका यहाँ पे कहलाने वाला है. अब बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब इसका स्पीड जो है कि चेंज नहीं होगा, वह कॉन्स्टेंट स्पीड से वह चलेगा. व्हाइल इट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट बात करें अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. एथलीट रनिंग अ रेस जो है कि आपका क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है. नेक्स्ट बात करें व्हाट इज मीन्ट बाय एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड. तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिफाइन स्पीड व्हाट इज इट द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. तो ये सब बेसिक जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से देखें हमारा नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है. क्वेश्चन कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर. चलिए सबसे पहले हम लोग भी इसमें डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ पे कर देते हैं आगरा और यहाँ पे कर देते हैं दिल्ली. इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस हो गया कितना हमारा, यह टोटल 200 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस. ए ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर. कोई ट्रेन चलता है जो कि हाफ डिस्टेंस में वो कितना वह चलता है, हाफ डिस्टेंस के लिए वो कितना स्पीड रखता है, वह स्पीड रखता है 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वह रखता है. हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर फॉर द होल जर्नी. तो नेक्स्ट डिस्टेंस वह किस स्पीड से है ना, आपको यहाँ पूछा है, कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल. तो ट्रेन का नेक्स्ट स्पीड कितना होना चाहिए नेक्स्ट 100 किलोमीटर के लिए ताकि होल जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वह एवरेज स्पीड जो है कि वह 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए. तो अब यहाँ से यदि एवरेज वेलोसिटी का यदि बात करें, एवरेज वेलोसिटी का यदि यहाँ से बात करें, ए वी का यदि बात करें, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है टोटल डिस्टेंस. तो डी वन, तो डी वन कितना है, पहला डी वन है हमारा 100 प्लस अदर डिस्टेंस वो भी हमारा है 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो टाइम टेकन मान लेते हैं फर्स्ट 100 किलोमीटर को वह टी वन टाइम में कवर करेगा एंड अदर 100 किलोमीटर को वह टी टू टाइम में वह कवर करेगा. तो इस तरह से जो है कि आपका एवरेज वेलोसिटी ये जो है कि आपका 70 आ रहा है. तो 70 जो है कि आपका यहाँ से आना चाहिए. तो आपका जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो स्पीड क्या रहने वाला है, तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में सॉल्व करते हैं.
है ना, टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर आपको दिया गया, टोटल टाइम टेकना, टोटल डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड, है ना। तो टोटल टाइम का यहाँ से बात करें तो 200 बाय 20 बाय 7 आवर्स जो कि आपका यहाँ पे टोटल टाइम आपका आ रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का यहाँ से बात करें तो डिस्टेंस 100 किलोमीटर, स्पीड 50 किलोमीटर, तो टाइम टेकने T1 का बात करें तो 100 बाय 50 टू आवर होगा आपका। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी डिस्टेंस 100, स्पीड यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका 100 बाय x हो जाएगा इस तरह से। तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 का वैल्यू आपका 20 बाय 7 आ रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू 116.6 आ गया। तो ये कैसे आ गया अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो एवरेज स्पीड आपका कितना हो, यहाँ पे आपका ये है 70 इक्वल, टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे कितना है, ये आपका टोटल डिस्टेंस 200 है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम का कितना है? पहला है 2 आवर प्लस एंड अदर आपका कितना है टोटल टाइम, क्योंकि वह 20 बाय टोटल 100 बाय आपका यहाँ पे एक्स जो कि इसने मान लिया है। अब यहाँ से बात करें यदि देखें 2 से जो कि इसको इसे क्रॉस गुना करने पे ये हो जाएगा कितना 140 प्लस ये हो जाएगा फिर कितना हमारा 7000 डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 200 आपका यहाँ पे हो रहने वाला है। या फिर यहाँ से यदि अब डायरेक्ट यदि हम एक्स को यदि कैलकुलेट करें, अब यहाँ से यदि डायरेक्ट एक्स को यदि हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाए, क्या रहने वाला है यहाँ पे हमारा ये 116.7 किलोमीटर पर आवर जो कि आपका यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल के आ जा रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है। ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्या कहता है ट्रेन यहाँ पे फर्स्ट 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 10 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रेन जर्नी। तो एवरेज स्पीड टोटल एवरेज स्पीड ए वी का यदि यहाँ से बात कर ले तो क्या होगा टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना रहने वाला है 75 प्लस 15 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा टोटली 110 है ना 110 किलोमीटर टोटल टाइम का। अब यहाँ से बात करें तो टोटल टाइम यदि हम यहाँ से T1 कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर और इसका स्पीड कितना है 30, तो यहाँ से कितना ये आपका आ रहा है T1 का वैल्यू आ रहा है कितना 0.5 आवर्स आपका यहाँ पर आ रहा है। एंड इसी तरह T2 का बात कर लें, पहले T2 75 बाय 50 आपका होना चाहिए, तो 75 डिवाइडेड बाय 50, तो इसे करने से आपका कितना आता है 3/2 = 1.5 आवर आपका आ रहा है। उसी तरह से अब T3 का यदि यहाँ से बात कर लें तो T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 10 बाय टोटल स्पीड कितना इसका दिया गया 20, ये भी आपका कितना आपका रहा 0.5 यानी कि हाफ आवर ये भी आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस 110 एंड टोटल टाइम आपका यहाँ पे कितना आ चुका है 2.5 जो कि आपका यहाँ पे टोटल टाइम आ रहा है। तो 2.5 जो कि आपका यहाँ पे टोटल टाइम है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 110 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कितना है ना 11 इतना 2.5 से भाग करने पे कितना टोटल 40 टाइम्स में जो कि ये कट के आ रहा है आपका यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर जो कि आपका एवरेज स्पीड रहने वाला है। नेक्स्ट अब फिर बात करें क्वेश्चन का, आपका और जो है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि इसमें इंक्लूड है, ए कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टेडी स्पीड, इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 1 सेकेंड, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 6 सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 240 मीटर। और क्वेश्चन का जो कि यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, डिस्टेंस आपका एवरेज स्पीड बाय टाइम, डिस्टेंस 240 मीटर, टाइम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड जो कि आपका यहाँ पे ऑल कैलकुलेटेड जो कि किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और जितने भी न्यूमेरिकल थे सभी हो चुके हैं। अब यहाँ से आपका आता है थर्ड सेक्शन मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, और ये जो है कि आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ से हमारा वीडियो और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे।
पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है आपके पास और कोई पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे है और ये क्या कर रहा है इस लाइन पे मूव कर रहा है। पाथ ऑफ रेडियस आर, तो रेडियस पाथ का जो रेडियस है इसका वैल्यू यहाँ पे आर दिया गया है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, तो हाफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कहता है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल, हाफ सर्कल पे चलने के बाद उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा इसको, जैसे इस तरह से सर्कल है पॉइंट, यदि यहाँ से पार्टिकल ए पॉइंट से शुरू करेगा तो यहाँ से इसका हाफ कहाँ होगा, डायरेक्ट देख सकते हैं आप यहाँ से होगा हाफ इसका, तो इतना डिस्टेंस ये कवर करेगा तो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो है कि ये आ रहा है, तो ये हाफ डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं सर्कल के जो कि सेंटर टू सेंटर मतलब होते हुए जा रहा है, मतलब ये सेंटर से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला लाइन ए बी जो है कि आपका क्या होगा, ये ए बी आपका क्या है, ये डायमीटर ऑफ सर्कल जो कि डी सी हो जाएगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ये होता है टू आर, तो टू आर आपका जो है कि यहाँ पे राइट आंसर जो कि सी ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, अब द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, तो अब यहाँ से ये बात करता है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका न्यूमेरिकल रेशियो निकाला है किसका, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट डी जो है कि आपका, एंड अगर यदि यहाँ से यदि आपका आप डिस्टेंस यदि डी इस तरह से ले लें तो इन दोनों में क्या रिलेशन रहता है, इन दोनों में यही रिलेशन रहता है कि डी का वैल्यू जो है कि डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है कि आपका डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है ना, या फिर बराबर भी हो सकता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है कि आपका जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ से यदि रेशियो यदि हम निकालें यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी डी डिवाइडेड बाय यदि डी करें तो इसमें हमें क्या मिलेगा, चूँकि आपका ये वाला डी क्या होता है, बड़ा होता है हमेशा इस डी से, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वैल्यू जो है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आने वाला है डी बाई डी ये जो कि एक से कम ही होगा, यानी डी डिस्प्लेसमेंट बाय डी जो है कि लेस देन वन होगा। तो क्या होगा, इक्वल टू और वन, मोर देन वन, मोर देन वन तो नहीं होने वाला कभी भी, ये इक्वल टू और लेस देन वन है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कि डी करेक्ट रहने वाला है, इक्वल टू द करेक्ट ऑप्शन डी इक्वल टू वन और लेस देन वन जो है कि आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है, जिसका मैंने यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस भी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है अभी। अ बॉडी इज सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड, ए बॉडी इज सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दिस मीन्स दैट द बॉडी इज, तो बॉडी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरी गो राउंड में जब घूम रहा है एट रेस्ट मूविंग विद नो एक्सीलरेशन इन एक्सीलरेटेड मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, तो किस केस में आपको पूछता है डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका इक्वल रहेगा, तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट चलता है, ऑप्शन देखें, इफ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, इफ द कार इज मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, इफ अ प्लेन इज मूविंग अराउंड द सन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट रहने वाला है। जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पे चलेगा तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, हमेशा वो इक्वल्स होते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो कि ए करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप यहाँ से बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी, स्पीड है ना 0.06 मीटर, दिस स्पीड इज इक्वल टू, तो ये स्पीड को आपको मीटर पर सेकेंड को यहाँ पे आपको आवर में कन्वर्ट करना है, तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 0.06 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 5/18, 5/18 जो है कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आपका हो रहा है ये टोटली 300, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 1/600, तो यहाँ पे आप आपका जो कि डायरेक्ट आंसर जो आपको ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है 0.216 किलोमीटर है ना, आपका ये हो जाएगा किलोमीटर में स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप यहाँ से बात करें,
दिस डाटा शो दैट द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ही है। व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई सर्कुलर ट्रैक है इस पे जो है कि आपका कार जो है कि इस तरह से रन कर रहा है, यहाँ पे बॉडी बना हुआ है। विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इन यूनिफॉर्म स्पीड से वह चल रहा है। इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग, दिस इज बिकॉज, इसका वेलोसिटी यहाँ पे हमेशा चेंजिंग हो रहा है। हाँ चेंजिंग हो रहा है, क्यों चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है कि वी का यदि डेफिनेशन का बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। बट सर्कुलर पाथ में क्या होता है, सर्कल का एवरी जो पॉइंट होता है सभी क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। सर्कुलर पाथ में सर्कल का एवरी पॉइंट क्या होता है, वो टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुत कम ही टाइम डीटी के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस आपका रहने वाला है डेल डी है ना, ये जो है कि पूरा चेंज रहने वाला है, और ये डेल टी टाइम है ना डी एस टाइम में। तो आप देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ कार वेरीज कंटिन्यूसली है ना, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए जो है कि आपका यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड वेलोसिटी जो है यहाँ पे चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, वेलोसिटी एंड मूविंग बॉडी का बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस का ही आपका यहाँ पे भी बात चल रहा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन है ना, तो ये वेलोसिटी आपका जो है क्या होता है, मूविंग बॉडी का जो है स्पीड ही होता है किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बात करें अभी इस सेशन का, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, तो आपका एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, इन चारों में से कौन जो है कि आपका जीरो हो सकता है किसी मूविंग बॉडी के लिए। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन करेक्ट आंसर जो है कि आपका ऑप्शन डी जो है कि फोर, आपका क्या है फोर में डिस्प्लेसमेंट जो है कि आपका ओनली जीरो हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी आपका जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें 51 का, व्हेन अ कार ड्राइविंग ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड्स अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड्स देन रिटार्डेशन विल बी, तो एक्सीलरेशन जैसे हम लोग निकालते हैं रिटार्डेशन, यहाँ पे ए का वैल्यू बात करें रिटार्डेशन का वैल्यू जो कि आपका माइनस में आता है माइनस, तो भी आपका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाला है, ये टोटल वैल्यू आपका माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो एंड हो जाएगा माइनस, यू आपका कितना है 10 मीटर पर सेकंड है, 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका टाइम कितना है, ये टाइम कितना 20 सेकंड्स लेता है, तो 20 सेकंड्स जो कि यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 10 बाय 20 करेंगे इसे सॉल्व तो ये कितना आएगा आपका 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तब यहाँ पे आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा डी हो जाएगा है ना आपका 0.5 जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी ए यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट कौन सा है आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है, एमएम पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर मीटर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, सेकेंड पर मीटर जो है कि आपका वो स्पीड का इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ से क्वेश्चन का बात करें, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस वन इज, इसमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, आपका जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे स्पीड आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट कौन नहीं हो सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड आपका ये जो है कि आपका नहीं हो सकता किसी भी एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट रहने वाला। नेक्स्ट अब बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अब फिर क्वेश्चन का जो कि आपका टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन सर, क्वेश्चन है व्हाट रिमेंस कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है आपको, बी व्हाट चेंजेस कंटिन्यूसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या कांस्टेंट और क्या चेंजेस होता है आपका, देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है कि आपका स्पीड जो है कि कांस्टेंट होता है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है कि आपका वो हमेशा चेंजेबल होता है, इस तरह से जब चलता है तो स्पीड तो सेम रहता है बट आपका डायरेक्शन जो कि एवरी पॉइंट पे क्या होता है चेंज होते रहता है। नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म स्पीड बट द वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग है ना, वेलोसिटी जो कि इसका चेंज होता है बट स्पीड जो कि यूनिफॉर्म ही होता है। नेक्स्ट बात करें अ बॉडी गोज राउंड द सन
विथ कॉन्स्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट इज द मोशन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। तो यहाँ पे मोशन कौन सा होने वाला, द मोशन इज एक्सेलरेटेड, जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर बात करें, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द वेलोसिटी ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन बिलो। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इसके दोनों के बीच का जो ग्राफ जो लाइन है क्या है, वो एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, ये आपका कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को दिखाता है। द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, यूनिफॉर्म यानी कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को ये दिखा रहा है आपका। नेक्स्ट बात करें, नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपका जो ग्राफ होता है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का, तो जब इसका जब हम लोग एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालने के बाद कौन सा क्वांटिटी हमें मिलता है, तो यहाँ पे कह रहा है आंसर में, द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी। तो इसका जो एरिया हम लोग जो निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उससे डिस्टेंस जो है कि टोटल हमें जो कि कवर हो जाता है। आप ऐसे भी यहाँ पे जो है कि इसको देख सकते हैं, है ना, इस तरह से जो हमारा ग्राफ जो इस तरह से बनेगा, तो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का यदि एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी वी इंटू टी, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल आपका डिस्टेंस होता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड आपका जो कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट। अब स्पीड कहता है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड एंड टाइम यदि यहाँ पे है, यदि आपका क्या कहता है, स्लोप ऑफ अ स्पीड, यदि स्लोप यदि आपका है इस तरह से, स्लोप यदि रहता है, इसका मतलब क्या है, ये आपका कांस्टेंट जो है कि रहने वाला है, यहाँ पे आपका स्पीड जो है कांस्टेंट रहता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, है ना, एक्सेलरेशन इज इंडिकेटेड बाय द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड को भी दिखाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है कि क्या स्लोप दिखाता है, स्पीड इज इंडिकेटेड बाय द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिर बात करें, सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। तो हो जाएगा मून मूविंग अराउंड द अर्थ इज एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपका रहने वाला। नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी हैज अ कॉन्स्टेंट स्पीड बट नॉट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट बात करें, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो आपका क्या हो जाएगा, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करें, यहाँ पे जो कि आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ दिया गया, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज अ यूनिफॉर्म, यहाँ पे आपको ये ग्राफ शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करें, What can you say about the motion of a body whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, When the distance time graph is parallel straight line and parallel to the time axis, it is said to be stationary, का मतलब क्या है, constant रहने वाला। What conclusion can you draw about the acceleration of a body from the speed time graph shown below? तो इस ग्राफ से आप क्या देख सकते हैं, तो इस ग्राफ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पीड ऑफ टाइम के बीच में ये जो ग्राफ आपको शो कर रहा है, इस ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द ग्राफ रिप्रेजेंट देयर द बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। यदि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में रहेगा तो आपका लाइन जो है कुछ इस तरह से जाएगा, बट यहाँ पे इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म को शो कर रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ आपका जो कि फोटो बेस्ड जो कि पिक्चर बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है इसने, है ना, अब ये सारे क्वेश्चन जो है कि आपके इस टाइप के हो चुके हैं अभी। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ इसमें रहने वाला है, यहाँ पे देखें आप, इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड एज द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, गिव द मीनिंग ऑफ इट्स सिंबल विच अकर्स इन इट। तो सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी चलता है तो उसका स्पीड भी इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस यानी 2πr, एंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जो आपका टी यहाँ पे रहने वाला है। तो ये हो जाएगा, ये आपका वृत्तीय चाल भी इसे कहते हैं हिंदी। नेक्स्ट,
V is the velocity, R is the radius of the circular path, T is the time taken to complete one round. Next बात करें, explain why the motion of a body which is moving with constant speed in a circular path is said to be accelerated. The motion of body which is moving with a constant speed in a circular path is said to be accelerated because the velocity of the body changes continuously along the direction of the motion. What is the difference between uniform linear motion and uniform circular motion? Explain with example. अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपके देखो सारे क्वेश्चन है. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द लाइनर लीनियर पाथ इन विच द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज फिक्स्ड. बट अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. नेक्स्ट बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इन विच द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी जो है कि आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, ताकि जो कि आपको समझ में जल्दी आ जाए जब भी क्वेश्चन है. नेक्स्ट फिर आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार विच इज स्टॉप इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी आपको जो कि यहाँ पे यू निकालना है. तो यू इक्वल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यू इक्वल्स क्या सकते हैं, वी इक्वल्स होता है आपका यू प्लस ए टी, है ना, यू प्लस ए टी इक्वल्स क्या आता है आपका यहाँ पे वी होता है. तो आपको यदि यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी माइनस ए टी आपको यहाँ पे करना होगा. तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको ए का वैल्यू जो है कि आपको 2 जो है कि माइनस 2.5 दिया गया है, तो माइनस 2.5 और टी का वैल्यू जो है कि आपको इसमें 10 सेकंड्स दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया. और वी का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे जीरो रहने वाला था, जीरो माइनस फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2.5 इंटू आपका फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 25 है ना मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका सोल्यूशन है ना, यू इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया है. नेक्स्ट फिर बात करें, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सीलरेटेड एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इफ द बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड्स. तो अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें, डायरेक्ट एस यदि हम लोग लगाएं तो क्या होगा, यू टी. तो यूनिशियल वेलोसिटी यू आपका जीरो है, तो जीरो इंटू टी जो है कि हो जाएगा आपका टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ए का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू आपका टू यानी टू स्क्वायर हो जाएगा. तो एस का वैल्यू यहाँ पे आप देखें तो ये हो जाएगा आपका खत्म, यहाँ पे कितना हो गया आपका 4 इंटू ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर जो कि डिस्टेंस ये कवर कर रहा है. तो ये फॉर्मूला जो है कि आपका डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए जो कि सबसे परफेक्ट फॉर्मूला आपको याद भी रखना होगा. नेक्स्ट बात करें, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन सब्जेक्टेड टू एन एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम. तो आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है. तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि v इक्वल्स या क्या हो जाएगा आपका u प्लस ए टी जो कि आपका बेसिक फॉर्मूला रहने वाला है. इसमें हम लोग पुट करेंगे v इक्वल्स u आपका दिया गया है 5 एंड प्लस a का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है 0.2 एंड t का वैल्यू दिया गया है 10. तो आपका यहाँ पे टोटल v का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 0.2 × 10 तो हो सॉरी ये 2 + 10 = 5 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड जो है कि आपका यहाँ पे तो फाइनल वेलोसिटी जो है कि आपका निकल के आ रहा है. नेक्स्ट फिर क्वेश्चन का आप यहाँ से बात करें, अ बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप इन 2.5 सेकंड्स. यानी कि आपका यहाँ पे देखें इनिशियल यू का वैल्यू जो है कि आपको यहाँ पे दिया गया है, यू आपका दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर आपको दिया है. आपको टाइम जो लगता है इसे रोकने में 2.5 सेकंड्स का लगता है बाय अप्लाइंग ब्रेक. कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड. तो आपको यहाँ पे ए निकालना है. तो आपका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू जीरो होगा. तो ए का वैल्यू यदि निकालें रिटार्डेशन माइनस में आएगा तो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस इंटू
तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू, तो हो जाएगा आपका जीरो माइनस यू हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 18 किलोमीटर पर आवर को इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, है ना। तो आपका जो इजी रहेगा तो इसका वैल्यू आपका यहाँ 5 आ रहा है, तो इसे 5 पुट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय आपका जो टोटल यहाँ पे टाइम कितना है 2.5 जो है आपका यहाँ पे कितना ये पुट हो रहा है, तो 5 बाय 2.5 करने पे आपका ये 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए इक्वल टू आपका यहाँ पे जो कितना हो रहा है माइनस 2 जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है। तो जो आपका कैलकुलेटेड है आपका देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है कि आपके सारे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूला से भी लगे हैं, एंड और भी आपके क्वेश्चन हो गए जिसमें कि आपका फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये भी आपके अप्लाई होंगे, या फिर आपके एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, सारे फॉर्मूला जो है कि आपके इसमें अप्लाइड हो चुके हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी दिया गया, एंड आपको यहाँ पे जो है कि आपको क्या कहता है टाइम भी दिया गया है, एंड आपको फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला दोनों का यहाँ पे एप्लीकेशन करके जो कि फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस को यहाँ पे निकाला गया है। नेक्स्ट फिर अब यहाँ से बात करें क्वेश्चंस का, में अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेटेड एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड, हाउ फार इट विल इट ट्रेवल इन दिस टाइम। तो अब ये आपको यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस एस का बात करें तो क्या होगा यू टी, यू आपका 20 है, यू इंटू टी का वैल्यू कितना है आपका 30, यू टी प्लस हाफ इंटू ए 0.5 इंटू ए टी स्क्वायर 30 का फिर आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर जो कि आपका यहाँ से रहने वाला है। तो अब यहाँ से देख पा रहे हैं टोटल आपका जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 600, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 900 इंटू 5 यदि आप कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4500 बाय 2, यानी कितना हो जाएगा आपका टोटल 220 मीटर। तो टोटल आपका यहाँ से कितना आता है 825 मीटर जो कि आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से किस तरह से जो कि फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट अब बात करें आपका फाइनल वेलोसिटी का, जो यहाँ आपका एक फॉर्मूला यूज किया गया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी एप्लीकेशन आपका इसमें हो चुका है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अब आपको ग्राफ के रिलेटेड जो कि आपके क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखें आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन शो कर रहा है ये हमें बताना है इसमें। तो v इक्वल्स यू प्लस ए टी ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम टेकन। अब v इनिशियल वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, टाइम 5 सेकंड, डिस्टेंस 100 मीटर दिया गया, एक्सेलरेशन ए निकालना है आपको यहाँ से। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का अप्लाई करके जो कि आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि आपको फाइनल वेलोसिटी इसमें यदि दिया हुआ हो तो आप जो है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस इक्वल टू 2ax का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट फिर यहाँ से देखें अब यहाँ पे आपका सेम क्वेश्चन का सेम फॉर्मूला का यूज करके जो कि यहाँ पे इसने भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव द फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे डेरिवेशन अभी रहने वाला है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये किस तरह से जो है कि आपके पास आता है, चलिए इसके बारे में जो है कि अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है आपका क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 होता है आपका। तो या फिर आपका वी प्लस यू प्लस वी बाय 2 हो जाएगा, एंड डिस्टेंस ट्रेवल का बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल। तो एस इक्वल्स क्या हो जाएगा यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी आपका यहाँ हो जाएगा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से नेक्स्ट देखिए अब इसका डेरिवेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर एस इक्वल्स 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। तो अब यहाँ से देख सकते हैं 2u प्लस ए टी, तो यहाँ पे 2u किस तरह से ये हो चुका है
क्योंकि जैसे आपके पास यहाँ पे जैसे एस इक्वल्स आपका क्या था यू प्लस वी बाय इस तरह से आपका टू था इंटू जो है आपका यहाँ पे टी था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी का वैल्यू फिर इंडिविजुअली लिखें वी इक्वल्स क्या होता है आपका यू प्लस ए टी आपका आने वाला है। तो यहाँ से इस वैल्यू को यदि यहाँ रखेंगे फिर एस इक्वल क्या होगा यू प्लस यू टू यू हो जाएगा टू यू एंड प्लस आपका फिर ए टी हो जाएगा फिर डिवाइडेड बाय टोटली ये कितना हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय टू इंटू आपका फिर यहाँ पे ये टी रहने वाला है। तो अब फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं यदि फिर यहाँ से यदि एस कैलकुलेट करें तो अब क्या होगा ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर इंटू टी करेंगे तो यू इंटू टी करने पर क्या होगा यू टी एंड प्लस यहाँ पे देख सकते हैं ए इंटू ए टी इंटू टी करेंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय फिर यहाँ से टू हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा इंटू फिर ये आपका ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला किस तरह से डिराइव्ड हुआ है ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो कि आपका यहाँ पे डिराइव्ड फॉर्मूला है और यहाँ पे आपके सारे सिम्बल्स भी दिए गए हैं जो कि आपको मस्टली याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें अब तो राइट द थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन गिवन द मीनिंग ऑफ इट्स सिंबल विच अकर्स इन देम। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे जो कि यहाँ पे इक्वेशंस को इसने ऑलरेडी इसने जो इसमें लिखा है सारे इक्वेशंस को जो इसने इसमें ऑलरेडी इसने जो कि सारे इक्वेशंस को पुट करके आपको सभी के बारे में जो कि आपको क्लियरली इसमें बताया है। तो सारे सिम्बल्स के बारे में मैंने भी टोटल इसमें बता दिया है जो कि आप जानते हैं। नेक्स्ट अब बात करें इसमें अब यहाँ से सारे जो कि आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल हैं व्हाट इज मीन्ट बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गिव टू एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देख सकते हैं आपके सारे जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं अब जो कि यहाँ पे इसके सॉल्यूशन किए हैं। तो सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी वी निकालने के लिए टू पाई आर बाय टी का यूज इसने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन का बात करें सो बाय मीन्स ऑफ ग्राफिकल मेथड दैट वी इक्वल्स यू प्लस ए टी वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल आंसर्स। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है वी इक्वल्स यू प्लस ए टी जो आपका होता है उसे ग्राफिकल मेथड से आपको यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए अभी वीडियो और भी इंटरेस्टेड होने वाला है इसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से जो है कि भी सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज अभी यहाँ ध्यान से ग्राफ को जो है कि एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपका देखिए ये आपका टाइम एक्सिस है और ये जो कि आपका वेलोसिटी एक्सिस है ना। और यहाँ पे देख पा रहे हैं टाइम एक्सिस पे वेलोसिटी इनिशियल में आपका यहाँ पे यू है एंड ए पॉइंट से जो है कि ये जो है कि कुछ इस तरह से बढ़ते बढ़ते बी पॉइंट तक जाता है और ये बी हो जाता है ये एक्सीलरेटेड होते हुए। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ उसमें जो लिखा है लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए यू आपका इनिशियल पॉइंट ए पे वेलोसिटी है सच दैट द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम ए टू बी जो कि इनिशियल यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है इन टाइम टी टोटल टाइम ये टी भी ले रहा है। लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी विच इज बी सी तो बी सी आप यहाँ से देख पा रहे हैं जो कि आपका फाइनल वेलोसिटी जो कि यहाँ पे आपका बना हुआ है इन द ग्राफ ओ सी इज ग्राफ रिप्रेजेंटेड द टाइम टेकन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओ सी जो आपका यहाँ पे जो कि ये दिखाया गया है ना आपका ओ सी बी इज द यहाँ पे आपका सी बी इज द परपेंडिकुलर दैट इज ड्रॉन टू कंप्लीट द फिगर फ्रॉम सी एंड डी है ना सी एंड डी से किया गया है इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ सी। अब फिर यहाँ पे आपको कह रहा है फिगर फ्रॉम पॉइंट सी एंड ए डी इज ड्रॉन पैरेलल टू ए सी ओ सी आपकी फिर आपका डी सी है बी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू ओ ई आपका ओ पॉइंट आपका मिसिंग है बट है ना तो आपका ये डी पॉइंट ही है यहाँ पे अब देख पा रहे हैं। अब यहाँ से इसने क्या किया है इसको देयर फॉर इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल टू ओ ए आप अभी ग्राफ में देखें तो इनिशियल वेलोसिटी आपका यू इक्वल टू ओ ए है ये हो गया वन फाइनल वेलोसिटी वी का बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या बी सी जो ग्राफ में था वो आपका टू यहाँ पे मान ली है फ्रॉम ग्राफ बी सी इक्वल यदि करें तो बी डी प्लस डी सी आपका होगा। ग्राफ यदि आप बी सी यदि निकालें बी सी यदि टोटल आप निकालेंगे यहाँ से बी सी तो आपका क्या होगा बी डी प्लस डी सी आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसने लिया बी डी प्लस डी सी और वी इक्वल टू बी डी प्लस डी सी इसे थ्री मान लेते हैं अभी नाउ डी सी इक्वल टू ओ ए ये आपको ग्राफ में दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर का ये पोर्शन है और वी इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए
फ्रॉम इक्वेशन वन ओ ए इक्वल टू यू दिया गया है तो वी इक्वल टू बी डी प्लस यू आपको मिल जाएगा। द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन, ए स्लोप ऑफ द लाइन ए बी आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट तो ए का बात करें तो बी डी बाय आपका ए डी रहने वाला है, बट ए डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू आपका यहाँ पे टी है एंड बी डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा। Therefore, substituting in 4, b equals u plus 80 जो है कि आपका यहाँ पे ये जो कि टोटली ग्राफिकल के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। तो आई होप आपको ग्राफ के द्वारा जो कि इस फॉर्मूला का डेरिवेशन जो है कि पूरा समझ में आया होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। चलिए फिर देखते हैं अब। सो बाई यूजिंग द ग्राफिकल मेथड दैट आई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अभी हमने जो है कि इस क्वेश्चन को एलजेब्रिकली अभी जो कि हमने इसे किया था, अब हमें जो कि इस क्वेश्चन को भी ग्राफिकली करना है। तो चलिए ये भी इंटरेस्टेड रहने वाला है, इसे भी ग्राफ के द्वारा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ आप एक बार जरूर देख लें, सारे चीज़ें वैसे ही हैं जैसा जो कि पहले था। आपका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जो कि आपका ये एक्सेलरेशन दिया गया है और यहाँ पर आपका टाइम टेकन है। चलिए फिर इसका भी डेरिवेशन अभी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ इसने सारी चीज़ों को इसने बता दिया है और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे एस हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल जो है कि ग्राफ का जो है कि हम एरिया निकालेंगे, है ना। एरिया निकालने के बाद जो कि सबको हम ऐड कर देंगे तब जाके जो कि हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इसने क्या क्या किया है। इनिशियल वेलोसिटी यू एट अ पॉइंट ए चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी, बी सी इज द फाइनल वेलोसिटी वी इन द ग्राफ, द टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड, टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ सी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज द एरिया अंडर द ओ ए बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस जो है कि क्या होगा, एरिया अंडर ओ ए बी सी आपका रहने वाला है। Therefore, distance traveled equal to area of under OABC. तो OABC का जो एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD. तो दोनों फिगर का हमें एरिया निकाल के ऐड कर देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC एंड द एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD इज गिवन एज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करें लेंथ इंटू ब्रेथ OA इंटू OC. तो ओ ए इंटू ओ सी करने पे टोटल आपका ये क्या हो जाता है, यू टी हो जाता है। एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी का बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई बी डी, तो हाफ इंटू ए टी स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ से आपका। देयर फोर डिस्टेंस ट्रेवल एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव्ड हो चुका है। नेक्स्ट बात करें, डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का और इसका भी डेरिवेशन जो कि आपको आना चाहिए। तो प्लीज चलिए इसका भी डेरिवेशन हम लोग अब कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम ग्राफ दिखाया गया है, यह ना सेम ही ग्राफ है, इसी ग्राफ से जो है कि हम लोग सारे फॉर्मूला को जो है हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस फॉर्मूला का डेरिवेशन किस तरह से किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, द इनिशियल वेलोसिटी इज यू एट पॉइंट ए विथ चेंजेस ए टू बी एट यूनिफॉर्म रेट इन टाइम टी, लेट वी बी द फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू बी सी इन द ग्राफ, ओ सी रिप्रेजेंट द टाइम टी, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन सी बी फ्रॉम पॉइंट सी एंड ए डी इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ सी, बी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ओ ई। तो सारे जो है कि आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आपको जो है कि यहाँ पे ओ ए प्लस सी बी करें तो वी प्लस यू होता है और ओ सी इक्वल टू आपका यहाँ पे टी रहने वाला है। देयर फोर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, जो है कि आपका यहाँ पे ये फाइनल फॉर्मूला डिराइव्ड हो चुका है। नेक्स्ट अब यहाँ से बात करें आपका फिर एम सी क्यूज जो है कि आपका यहाँ पे आया हुआ है, अब देख लेते हैं एम सी क्यूज जो है कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है सभी को। ये सारे एम सी क्यूज जो है कि आपको फिर यहाँ से सॉल्व करना है, तो सारे जो है कि हमने पहले भी किए हैं और सेम टाइप के जो कि यहाँ पे हम भी हमारे अभी न्यूमेरिकल्स जो है कि एम सी क्यूज जो कि आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे एम सी क्यूज जो है कि आप लोगों का टास्क रहेगा, मैं सभी को एक बार स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ और आपका जो कि ये सेशन अब समाप्त हो चुका है। तो प्लीज़ यदि ये सेशन क्लियरली यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर से नए वीडियो में आपका वेलकम हो। गाना चल नहीं आ रहा।